जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। कैसे क्या हालात हुए कि राहुल शादी पे नहीं आ पाए, ऐसी क्या वजह थी कि अभी तक एक फोन नहीं कर पाए? इन सब सवालों के जवाब अभी देने होंगे राहुल को पूर्वा। मेरे दिमाग में राहुल के खिलाफ डाउट पैदा करने की आप कोशिश भी ना करें तो अच्छा। एंड आई नो आप ये सब क्यों कर। देखिए डॉक्टर वेदांत, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ना मैं इस शादी को मानती हूँ और ना ही मैं आपके साथ वापस आने वाली हूँ। इनमें से कोई सा भी नंबर राहुल का नहीं है, इसलिए मैं सुबह राहुल के कॉलेज में गया उसके प्रिंसिपल से मिलने। He's a nice man, you know. Nice man, तो कुछ? Nice man, तो राहुल का एड्रेस दे दिया। पूर्वा, मैंने और मेरी वाइफ ने दो कमरे बुक किए थे साइड बाय साइड, हम कहीं बाहर गए थे, उसके बाद मैं अपने रूम पे कैसे पहुंचा और दूसरे रूम में एक लेडी क्यों है? Where is my wife? साइड बाय साइड रूम, आपकी वाइफ? सर आपने अकेले चेक इन किया है, आपके नाम से एक ही बुकिंग है सर, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कहे तो आपके लिए पागल समझाए। तू कुछ बोलेगा मैं मान लूंगा। पूर्वा को कुछ हो गया ना दादी, मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। बस दूसरे से बिल्कुल अलग। आपके दादी, इनफैक्ट सारे लोग ये बोलते हैं कि आप राम हो, लेकिन मैं सीता नहीं, मैं आज की लड़की हूँ। और आप ही ने ये लिखा था ना कि जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं तो उसे निभाने में कोई महानता नहीं होती, तो फिर ये रिश्ता जो हम निभा नहीं सकते, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? रसोई घर के दरवाजे पर नहीं, तुम सबकी अक्कल पर पड़ा है। अरे दिखाई नहीं दे रहा कि पूर्वा अपनी जगह पर सही है और जो रमेश चाहता है वो सरासर गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने, ताला पड़ा है आपकी आंखों पर, कुछ भी हो जाए उस लड़की को झुकना तो पड़ेगा। अम्मा पूर्वा नहीं झुकेगी बाबूजी। अरे हटो पीछे, हमारे लिए तो अपने बदल गए। फेल कैसे हो गया? उसने मुझसे वादा किया था कि वो MBBS करेगा, डॉक्टर बन के हमारा अस्पताल संभालेगा। ये पर ताऊ जी वो एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है। कौन से सब्जेक्ट में? गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। इसी सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल लिया था ना तूने? तूने जानबूझ के उसे फेल करवाया। बाबूजी मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तू नहीं चाहता कि मेरा बेटा तुझसे आगे निकल जाए, तू नहीं चाहता कि वो डॉक्टर बन के अस्पताल चलाए। लेकिन ये मत भूल कि तू उस अस्पताल में नौकर है, मालिक नहीं। और आज अपनी औकात भूल के ये जो अच्छी हरकत की है ना, इसके लिए मैं बाबूजी, संजू मेरा भाई है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? दी MBBS के रिजल्ट्स आ गए और मैं पास हो गई। Isn't that great? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नानी मौसी, फर्स्ट डिवीजन कहा था ना मैंने, ये लीजिए मिठाई। वेरी गुड पंखो, पर अभी तो जा। अरे एक सेकंड, नहीं दीप पहले मेरी बात सुनो। मैं डॉक्टर वेदांत के हॉस्पिटल गई थी और मैंने उनसे इंटर्नशिप के लिए कहा था और वो मान गए। लिया अम्मा, ये है असली नियत, जिस परिवार का खाते हैं उसको फाड़ में झोंक कर दूसरों के लिए। तुम सब लोग उस रसोई पे लगे हुए ताले की बात कर रहे हो, लेकिन अम्मा जो दिमाग पे लगा हुआ ताला है उसे खोलो
और सच्चाई देखो, सारा घर बर्बाद हो रहा है। लेकिन तुम मनाओ, खुशियां मनाओ, फोड़ो पटाखे और उन पटाखों के साथ साथ इस घर को भी आग लगा दो। हुआ क्या? फेल हो गया मेरा बेटा संजू, फेल हो गया। मैंने सोचा था जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करेगा, मेरे बाबूजी की धरोहर, जिसको त्रिलाल के आगे रमेश जिंदगी भर नहीं झुक सकता था, मेरे अपने बेटे ने हरा दिया उसके साथ। बाबूजी, बाप बेटे के बीच में हार जीत का रिश्ता नहीं, प्यार का रिश्ता होता है। तुम्हारे और मेरे बीच में ना कोई रिश्ता था और ना कभी होगा। बिछिए शादी की निशानी होती है, कैसे भूल सकती हो तुम? वो बिछिए की आदत नहीं है ना, ट्राई किया था मैंने पर चुभता है, पर मंगलसूत्र पहना है और सिंदूर लगाया मैंने। बिना बिछिए पहने तो घर से बाहर नहीं जा सकती। क्या हुआ? जब चुभता है ना वो ऐसा ही लगता है। आपने मुझे घर में जो कुछ भी कहा मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप उस चुड़ैल के बारे में जानती है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने अपने आप से ज्यादा भरोसा आप पर करके करण की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी प्रीता जी, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप समझदार हैं, आप करण को संभाल सकते हैं, आपको सही गलत का फैसला करना आता। मैं एक बार को प्रीता जी ये मान सकता हूँ कि इन लोगों ने गलती की होगी, इन लोगों को मालूम नहीं चला होगा कि करण क्या करने वाला। लेकिन I'm sorry, ऋषभ जी, मुझे एहसास हो गया था कि करण कुछ बहुत ज्यादा गलत करने वाला है, लेकिन लेकिन व्हाट प्रीता जी, लेकिन व्हाट, लेकिन की गुंजाइश कहाँ है? अंदर नहीं जा सकते आप। दुनिया का बेस्ट इंसान, बेस्ट हस्बैंड समझती थी मैं, पर अब नहीं है। वो खुद आपसे नहीं मिलना चाहते। निकल जाइए यहाँ से, चले जाइए। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि गुड्डन के सामने आएगा रावत का चौंका देने वाला सच, खुलेंगे कुछ राज और सामने आएगी एक बार फिर मौत। कैसे उभरेगी गुड्डन इन मुश्किलों से और क्या मिलेगा उसे अपने परिवार का साथ, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। धोखेबाज तो कशान का करना क्या होगा? बस ये घर छोड़कर जाना होगा, उनके साथ तो एक पल नहीं रह सकते। अबू, हमने ये घर सलामत मियां को गिरवी रखा था, लेकिन उन्हें लगता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, इसलिए आपसे माफी मांगते हैं और ये घर आपको वापस दे रहे हैं। इनकी चाल है अबू, हम जानते हैं इन्हें। क्या हुआ? हवलदार की गोली से डर गए? एक खुशखबरी है तुम दोनों के लिए, इस ढोल को बजा के जश्न जरूर मनाना। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लो जल्दी मेरी मांग में सिंदूर पर। स्मिता जी, कुछ की तुम प्लीज जाओ। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी मांग में सिंदूर नहीं भर देते। स्मिता जी, अगर तुम नहीं चाहते कि रिदौ यहाँ पर आए और मुझे उससे सच्चाई बतानी पड़े तो भर दो मेरी मांग शांति में। स्मिता जी,